हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द नाइट्रोग्लिसरीन सब टैबलेट्स तो नाइट्रोग्लिसरीन की जो सब लिंग्यूअल टैबलेट्स आती है उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आप कवर पेज पर पे ये देख सकते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन का सब टैबलेट्स का फॉर्मुलेशन जो अवेलेबल होता है मार्केट में तो उसके अलग अलग स्ट्रेंथ के कोई पॉइंट फोर एम जी पर टैबलेट के स्ट्रेंथ में होता है कोई पॉइंट फाइव एम जी की स्ट्रेंथ में होती है तो ये मेडिकेशंस का यूजेस क्या है वाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन और किस तरह से ये नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को यूज़ की जाती है ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट यूजली जो सबलिंग टैबलेट्स बनाए जाते हैं कि जो टैबलेट फॉर्म में हम अलग अलग टैबलेट्स के बारे में सीखते हैं उसी में से सब टैबलेट्स मतलब कि जो टैबलेट्स ऐसे टैबलेट्स की जिसको हम बिलो द टंग बिलो द टंग हमारी ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं तो सीखते हैं डिटेल में ये टैबलेट्स के बारे में ऑफ ए नाइट्रोग्लिसन सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर मिस्टर बीफार्म इन फार्मास्यूटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स, ऑक्स पर पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर आप सभी के सपोर्ट के कारण ही फार्मर ने अपने एक लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए तो Farmerox का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है तो डाउनलोड करिए Farmerox की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर और आईफोन आप यूज करते हैं तो ऐप स्टोर पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर तो गेट द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो समझिए सबसे पहले कि नाइट्रोग्लिसरीन सब टैबलेट्स हे क्या तो नाइट्रोग्लिसरिन सब्लुगल टैबलेट्स आर यूज टू तो ट्रीट द एपिसोड्स ऑफ एंजाइना कि जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन इन ए पीपल हु कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब कि जो ऐसे पेशेंट की जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे समझिए ये जो वर्ड समझना जरूरी है आपके लिए कि एंजाइना कि जो हम कहते हैं कि चेस्ट पेन और चेस्ट पेन भी ऐसे पेशेंट्स के जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज डे, के पेशेंट हैं मतलब कि हम कह सकते हैं कि हार्ट पेशेंट ऐसे पेशेंट जिनको यूजअली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और उनके अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है दैट इज अ चेस्ट पेन तो इसको रिड्यूस करने के लिए उनको स्टेबल करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन के सब टैबलेट्स जो है वो यूजली देते हैं उनको और वो भी इमरजेंसी में कि जैसे ही समझो कि चेस्ट पेन जैसे स्टार्ट होता है तो तुरंत समझो कि पेशेंट नाइट्रोग्लिसरिन के सब टैबलेट्स यूज़ करता है तो उसको वो चेस्ट पेन में से रिलीफ मिलता है और जो पेशेंट जो है वो फिर स्टेबल हो जाता है तो यहाँ पे एक कंटेनर पे आप देखो ये जो हमने जो फाइजर का जो प्रोडक्ट है नाइट्रोस्टेट उसका रखा है कि नाइट्रोग्लिसन सबलिंग टैबलेट से एस्पर पर यूएसपी और उसकी स्ट्रेंथ है पॉइंट फोर एम पर टैबलेट तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज डिस्पेंस विथ पेशेंट पैकेज इंसर्ट मतलब कि जो पेशेंट के लिए जो कंफर्टेबल हो ऐसा जो पैकिंग रहता है कि वो अपने पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी वो जो है वो यूज कर सके इस तरह से उनको जो है वो पेशेंट को अच्छे से डिस्पेंस कर देना होता है सो व्हाट इज द एंजाइना और व्हाट इज द चेस्ट पेन सो इट दैट मीन्स द नेरो विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू दार्ट कि हमारे हार्ट को जो ब्लड पहुँचाने के काम करने वाली जो वेसल्स है वो क्या हो जाती है काफ़ी नैरो हो जाती है उनका डायमीटर रिड्यूस होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब उनको और नॉर्मल करना है और इमरजेंसी में जब समझो कि पेशेंट को ऐसा होता है चेस्ट पेन एंजाइना पैक्टोरिस जैसी कंडीसन डेवलप होती है तो उस वक्त ये मेडिकेशन बहुत ही हेल्पफुल रहती है कि जो कहते हैं हम नाइट्रोग्लिसरिन के सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो यहां पे समझिए कि इट इज ऑल्सो यूज जस्ट बिफोर एक्टिविटीज दैट मेकोस द एपिसोड ऑफ एंजाइना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंजाइना फ्रॉम अकरिंग अगर पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस वक्त एक कॉम्प्लिकेशंस रहता है या फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आगे जाके कि पेशेंट को एंजाइना हो सकता है उसके जो हम कहे तो जो ब्लड वेसल्स है कि जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट की ओर वो समझो कि नैरो हो जाती है या फिर उनका ब्लॉकेज होता है तो उसके कारण जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है और कई बार हार्ट अटैक भी समझो कि पेशेंट को आ जाता है तो ये जो सिम्टम है या फिर ये जो कंडीशन है उसको यही से समझो कि हम क्योर करें प्रिवेंट कर ले तो आगे जाके पेशेंट को कोई और हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो ये मेडिकेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि एंजाइना पैक्टोरिस इज़ द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन और डिसकम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज कोरोनरी हार्ट डिजीज कहे या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम कहें तो बहुत आर द सिमिलर बिकॉज यहाँ पे स्पेशली नैरोविंग होता है ब्लड वेसल्स का कि जो हमारे हार्ट को पहुंचाती है ब्लड तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि टाइटनेस और पेन इन ए चेस्ट के पेशेंट को यहाँ पे चेस्ट पेन होता है टाइटनेस जैसा लगता है एज वेल well, पेन इन द चेस्ट और उसका जो मेन रीजन होता है ज द एंजाइना पैक्टोरिस और ब्लॉकड कोरोनरी आर्टरी या फिर वो कैसी हो जाती है काफी नैरो हो जाती है नैरो के आगे जाके ब्लॉक हो जाती है या फिर जो ब्लड जो प्रॉपर अमाउंट में पहुंचना चाहिए हार्ट की ओर वो नहीं पहुंच पाता और उसके कारण दूसरे हार्ट रिलेटेड काफी कॉम्प्लीकेशंस होते हैं पेशेंट को तो इसके जो एपिसोड्स होते हैं एंजाइना के उसको कंप्लीटली क्योर करने के लिए एज वेल एज उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये नाइट्रोग्लिसरिन के सब टैबलेट्स पेशेंट को देते हैं आगे सीखते हैं अब अबाउट द नाइट्रोग्लिसरीन सब टैबलेट्स तो कंसिस्टेंट विथ द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एंजाइना डिजिटल प्लेथिस्मोग्राफी इंडिकेट्स दैट ऑन ऑफ़ द दिटरी इफेक्ट अकर्स अप्रोक्सीमेटली वन टू थ्री मिनिट्स आफ्टर सब लिंग्रोग एंड रिचे टू ए मैक्सिमम बाय फाइव मिनट्स ऑफ पोस्ट डोज तो इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि जब समझे कि कोई पेशेंट को आप ये नाइट्रोगसरिन के सबलिंगल टैबलेट्स देते हैं तो जब उसको हम ये मेडिकेशंस देते हैं तो उसके जो सिम्टोमेटिक रिलीफ हम कहे कि जो चेस्ट पेन के अंदर जो सिम्टम है कि एंजाइना के जो सिम्टम्स है कि चेस्ट पेन होता है टाइटनेस होता है पेशेंट को तो वो सिम्टम्स को रिलीज करवाने के लिए और जो वासोडाइलेटरी इफेक्ट जो हमें प्रोड्यूस है कि जो वेसल्स जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होके नैरो हो जाती है उसको डायलेट करने के लिए हम ये मेडिकेशंस देते हैं तो उसकी इफेक्ट जो है वो पेशेंट को वन टू थ्री मिनट्स के अंदर ही मिल जाती है तो मेडिकेशंस लेने के बाद विद इन वन टू थ्री मिनट्स पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स में से रिलीफ मिलता है और वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है आफ्टर टेकिंग दिस सब लिंगल टैबलेट्स और उसकी जो मैक्सिमम इफेक्ट जो अचीव होती है बाय फाइव मिनट मतलब कि पहले वन टू थ्री मिनट में पेशेंट स्टेबल हो जाता है और उसके बाद काफ़ी नॉर्मल फील करता है विद इन द फाइव मिनट्स तो ये है पावरफुल मेडिकेशन हम कह सकते हैं नाइट्रोग्लिसरिन के कि जो अपनी असर दिखाना शुरू कर देता है विद इन वन टू थ्री मिनट्स द इफेक्ट ऑफ वासो डायलिट्री अकर्स विद इन वन टू थ्री मिनट आफ्टर टेकिंग दिस नाइट्रोग्लिसन सबलिंग टैबलेट्स तो जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सबलिंगस टैबलेट्स क्या है तो मेडिकेशंस आर मेडिकेश मेडिकेशंस विच आर ओनली टेकन बाय द माउथ बट माउथ से हम लेते हैं बट यहाँ पे कंडीशन यह है कि उनको स्वेलो नहीं करनी है यू हैव टू कीप दब लिंग टैबलेट अंडर योर टंग आपकी टंग के नीचे ही उसको रखनी है कि जो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर जो देख रहे हैं उस तरह से कि ये जो टैबलेट है वो यहाँ पे कि ये जो है वो पेशेंट की टंग है और ये टंग के कंप्लीटली नीचे बिलो द टंग जो है वो पेशेंट ये टैबलेट्स को रखते हैं एंड डिजॉल्व होती है वहीं पे एंड एब्जॉर्ब होती है इनटू योर ब्लड थ्रू द टिश्यू देर एट बिलो द टंग तो यहाँ पे जो कंडीशन ये है कि पेशेंट को ये टैबलेट सिर्फ अपने जीप के नीचे ही रख देनी है कि जो जो हमारी जबान होती है उसके नीचे ही आपको रखनी है और दूसरी कंडीशन ये है कि गलती से भी उसको स्वेलो नहीं करनी है आपको जस्ट आप आपकी जबान के नीचे रखिए बिलो द टंक और ऑटोमेटिकली वहीं पे वो मेडिकेशंस जो है वो डिजल्व हो जाएगी कि डिजोल्व भी उसका हम देखें तो वो फास्ट डिज़ोल्व हो जाएंगी विद इन टेन टू थर्टी सेकेंड के अंदर टैबलेट जो है वो हो जाएगी डिज़ोल्व और उसकी इफेक्ट होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा विद इन वन टू थ्रू मिनट्स और मैक्सिमम इफ़ेक्ट हम देखें तो फाइव मिनट्स के अंदर पेशेंट को मिल जाती है तो ये होते हैं बेनिफिट्स ऑफ ए सबलिंगुअल टैबलेट्स और उसमें भी जो नाइट्रोग्लिसरिन के सब लिंगल टेबलेट्स की जो हम बात करते हैं तो एक से लेकर तीन मिनट के अंदर उसकी इफ़ेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को इमरजेंसी में और मैक्सिमम इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप में पाँच मिनट के अंदर मिल जाती है तो ये है सब लिंगल मेडिकेशंस तो नाइट्रोग्लिसन वर्क बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी तो ये मेडिकेशंस काम कैसे करती है ये बात आई कि इतनी फास्ट जो रिलीफ देती है पेशेंट को तो फास्ट रिलीफ देने के पीछे का मेन उसका मेकेनिज्म यह है कि वो क्या करती है रिलैक्स कर देती है आपके स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स को और जो हमने रीज़न देखा कि चेस्ट पेन जब पेशेंट को होता है एंजाइना जो होता है तो उसमें जो रीजन ऐसा है कि जो स्मूथ मसल्स या फिर आपके जो ब्लड वेसल्स है वो हो जाते हैं नैरो और वो काफी टाइट हो जाते हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए या फिर दूसरे वर्ड में हम कहें मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग टू तो जो वासो डायलेटरी जो इफेक्ट है कि जो वासो डायलेशन करता है या फिर वासो डायलेटरी जो इफेक्ट हम कहते हैं तो ये इफेक्ट देता है ये नाइट्रोग्लिसरीन और जिसके कारण पेशेंट जो है वो काफी रिलीफ फील करता है टैबलेट्स सो दिस द अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन दैट रिचे टू योर हार्ट कि जब काफी नैरो हो जाती है तो नैरो हो जाने के कारण क्या होता था कि प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंचता था और उसी के कारण जो है पेशेंट को चेस्ट पेन होता था सो वैन वी गिव द मेडिसिन मेडिकसिन नाइट्रोग्लिस टैबलेट्स इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ योर बॉडी एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड एज वेल एज द ऑक्सीजन दैट रिजिस्ट टू योर हार्ट और जिसके कारण फिर प्रॉपर जो है वो हार्ट जो है वो वर्क करता था

दिस मेडिसिन आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन दिस रिड्यूस द चेस्ट पेन कि जब काफी कॉन्ट्रेक्शन हो जाते हैं मसल्स एज वेल एज नैरो हो जाती है ब्लड वेसल्स तो उसको डायलेट करने के लिए एज वेल एज स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये मेडिकेशंस देते हैं और इसी की मेकेनिज्म भी यही है उसी के कारण जो हमारी चॉइस है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो डीओसी कहा जाता है डीओ मतलब ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस इसीलिए है एंजाइना पैक्टोरिस के अंदर बिकॉज कि वो विद इन वन टू तो थ्री मिनट्स के अंदर ही पेशेंट को कर देती है काफी स्टेबल और मैक्सिमम फाइव मिनट्स के अंदर पेशेंट जो है वो काफी नॉर्मल फील करता है तो दिस टैबलेट्स कैप्ड इन ए स्मॉल एम्बर टाइटली कैप्ड ग्लास बॉटल्स कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये बॉटल कि वो देख सकते हैं कि आप एम्बर कलर की बॉटल है प्रॉपर टाइट है कि जो हम कहें कि टाइट कंटेनर जो हम कहते हैं तो प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके नाइट्रोग्लिसरीन के और ये जो कलर है वो भी एम्बर कलर्स की बॉटल जो है वो हम देख सकते हैं और उनको रखनी है इन रेफ्रिजरेटर मेंटेन देयर पोटेंसी फॉर थ्री टू फाइव मंथ्स इफ़ बॉटल्स आर ओपन वंस ए वीक अगर समझे कि वंस ए वीक आप टैबलेट्स यूज़ करते हैं या फिर रेगुलरली आपको प्रॉब्लम है और जरूरत पड़ती है तो अच्छे से उनको मैंटेन रखिए आप और अगर और ज़्यादा महीनों तक यूज़ ना हो तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए कि जब उसकी एक्सपायरी डेट नियर हो या फिर एक्सपायरी डेट हो जाती है तो उसको आप डिस्कार कर दीजिए तो इफ यू आर यूजिंग द टैबलेट्स ये पॉइंट समझिए कि अगर आप सब टैबलेट यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरिन की तो यह पॉइंट कि डू नॉट कट उसको ना ही कट करना है ना ही उसको क्रश करना है ना ही उसको चबाना है डू नॉट चिव और डू नॉट स्वेलो तो ये पॉइंट खास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी की अगर कोई सब टैबलेट यूज करता है तो आपको ये एडवाइस भी देनी चाहिए कि गलती से भी उसको कट नहीं कर देना है आपको ना ही उसको क्रस करना है ना ही उसको चीव करना है मतलब कि ना ही उसको चबाना है आपको और ना ही उसको स्वेलो करना है जस्ट आपके टंग के नीचे ही उसको रखनी है और आपको अच्छे से जो है वो रिलैक्स फील करना है आफ्टर पुटिंग बिलो द टंग और ना ही कुछ करना है आपको जस्ट आपको वेट करना है उसके डिजोल्व होने का और ये जो है वो ऐसे टैबलेट्स होते हैं कि जब फास्ट डिजोल्विंग होते हैं दस से पंद्रह सेकंड या ज़्यादा से ज्यादा तीस सेकंड के अंदर वो डिजोल्व हो जाती है और इफ़ यू टेक टू और मोर टैबलेट्स एट सेम टाइम प्लेस ऑल द टैबलेट्स इन डिफरेंट प्लेसिस अंडर द टोंग एट द सेम टाइम अगर सेम टाइम को आपको दो से तीन टैबलेट्स लेने पड़ते हैं और ऐसी कंडीशन है तो आप अलग अलग जगह पर रखिए कि एक टैबलेट यहाँ पे रखी है तो दूसरी टैबलेट यहाँ पर रखिए तीसरी यहाँ पर रखिए तो अलग अलग जगह पर आपको टैबलेट को प्लेस करना है कि वैन यू टेक टू तो और, और मोर टैबलेट्स से एट सेम टाइम तो ये कंडीशन याद रखनी है और डू नॉट कट डू नॉट क्रॉस डू नॉट चीव और डू नॉट स्वेलो डोजेज और स्ट्रेंथ हम जान ले इसकी तो सबसे पहले कि टैबलेट सब लिंग पॉइंट में भी आते हैं पॉइंट फोर और जो पाउडर होता है सब उसकी स्ट्रेंथ होती है पॉइंट फोर तो ये है उसके डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ एंजाइना पैक्टोरिस के लिए 0.3 से लेकर 0.6 सिक्स एमजी सब एवरी फाइव मिनट अप टू थ्री टाइम्स एंड यूज एट फर्स्ट साइन ऑफ एंजाइना कि जब आपको फर्स्ट साइन या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उस वक्त ये यूज किए जाने चाहिए फॉर एक्यूट रिलीफ ये बात है एक्यूट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन नीडेड इफ द नो रिलीफ अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता तो तुरंत आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है और अच्छे से आगे उसकी ट्रीटमेंट करवानी होती है डिज़ोल अंडर द और इन ए बकल पाउच डो नॉट रिंस माउथ और स्पीड फॉर फाइव मिनट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। कि आपको ओरल कैविटी को रिंस भी नहीं करना है ना ही स्पीड करना है आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन जस्ट आपको रिलैक्स होके एक ही जगह पे आराम से बैठिए रेस्ट करिए ऐसा हो तो जीप के नीचे ये टैबलेट रखने के बाद एंजाइना पैक्टोरिस के जो प्रोफाइल एक्सेस है उसमें भी वन टैबलेट सब लिंग फाइव टू टेन मिनट्स बिफोर द एक्टिविटी इज लाइकली टू प्रोवर्क एंजाइना के जो अटैक्स होते हैं उनको प्रोवर्क करने के लिए रीनल फाइडोर के अंदर भी ये यूज होती है कि क्रिएट नाइन क्लियरेंस समझो कि टेन टू फिफ्टी एम पर मिनट है To every 20 to and, तो एडमिनिस्टर एवरी ट्वेंटी टू 74 फोर फॉर प्रोफाइल एक्सिस एंड समझो कि क्रिएटिव लेस देन मिनट है मतलब होता है कि आप जो क्यू लिखा है आगे उसका मतलब होता है क्यू द मीन तो क्यू मंथस होगा कि एवरी ट्वेंटी फोर सेवेंटी टू फ्रॉम द लेटिन वर्क क्यू टू डब्ल्यू के मतलब की एवरी वीक एवरी टू वीक ऐसा होता है साइड इफेक्ट जान ली टेबलेट्स की तो हेड एक् होता है पेशेंट को थोड़ा बहुत डिजीनेस फील होता है लाइट हेडेडनेस नोजिया फ्लसिंग जैसा होता है और बर्निंग और टिंगलिंग अंडर द टोंग बर्निंग और टंगलिंग अंडर द टंग ही होता है और इफ एनी ऑफ दिस इफेक्ट लास्ट और गेट वॉर्स टेल द डॉक्टर और फार्मासिस्ट हेड एक इज ऑफ एन ए साइन दैट दिस दैट मीन्स मेडिकेशन इज वर्किंग हेड एक इज ऑफ एन ए साइन दैट दिस मेडिकेशन इज वर्किंग जो रिसर्च पर से पता चला है कि जब ये मेडिकेशन प्रॉपर वर्किंग होती है तो उस वक्त पेशेंट को जो है वो हेड जैसा होता ही है सो so, ये हमारा लेक्चर था स्पेशली ऑन नाइट्रोग्लिसन सबलिंग टैबलेट्स जरूर से लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो यूज करिए फार्मारॉक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट